हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सी ए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी, सो द पार्ट थ्री ऑफ साउंड आज की वीडियो में हम देखेंगे आ, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें अबाउट द साउंड फर्स्टली द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम हमने जैसे देखा कि साउंड को अलग अलग मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए और हर मीडियम में साउंड की स्पीड अलग अलग होती जाती है राइट right? स्पीड जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है सॉलिड में और जैसे जैसे सॉलिड से गैस की तरफ आती है गैशियस स्टेट की तरफ आती है स्पीड ऑफ साउंड कम होती जाती है द स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज वेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैशियस स्टेट मतलब सॉलिड में स्पीड uh, सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे गैशियस स्टेट में जाएंगे इस टेबल में दे रखा है जैसे जैसे गैशियस स्टेट में जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी सो फर्स्ट चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि स्पीड जो है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है और जैसे जैसे गैस की तरफ जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी अगेन स्पीड खाली मीडियम पे ट्रैवल नहीं करती बल्कि स्पीड टेम्परेचर पे भी ट्रैवल करती है द स्पीड ऑफ साउंड जो कि स्पीड जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा स्पीड ज़्यादा होती है राइट मतलब अगर हॉट टेम्परेचर में है तो आपको आवाज़ ज्यादा क्लियरली सुनाई देगी और ज्यादा जल्दी सुनाई देगी वहीं पे अगर आप आ, कोई कोल्ड वेदर में हो तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड कम होती जाएगी राइट right? यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 331 मीटर पर सेकेंड एट जीरो डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमने पहले कौन सा स्टेट लिया है यहां पर एयर की बात की है क्योंकि हमारे पास तीन स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस तो उन्होंने बोला कि भाई हम खाली एयर की बात कर रहे हैं तो एयर में अगर हम ज़ीरो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वहाँ पर स्पीड रहेगी थ्री थर्टी वन मीटर पर सेकेंड और वहीं हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें दैट इज़ ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस तो ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस में हमारी स्पीड हो जाएगी थ्री फोर्टी फोर मीटर पर सेकेंड सो इन दोनों को देख के हम क्या बता सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा किस में है यहाँ पर यहाँ पर 344 मीटर कवर कर पाएगा साउंड एक सेकेंड के अंदर लेकिन ज़ीरो डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी 331 मीटर पर सेकेंड राइट सो यहाँ पर हमने दो चीज़ देख ली कि जितना ज़्यादा हॉट वेदर होगा उतनी ज़्यादा स्पीड उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की एंड सेकेंड चीज़ जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है सॉलिड में और जैसे जैसे गैशेस की तरफ आती है तो स्पीड कम होती जाती है राइट सो यहाँ पर हम बात करेंगे सॉलिड और हॉट सॉलिड और हॉट में स्पीड सबसे ज़्यादा होगी जैसे जैसे गैशेस की तरफ जाएगा स्पीड कम होगी जैसे जैसे हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा स्पीड ऑफ साउंड कम होगी राइट right? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड उसमें ये चीज़ काम आएगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन मतलब जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है जैसे ही एक ऑब्जेक्ट को लाइट टच करती है वो वैसे ही रिफ्लेक्ट बैक करती है। और ये सेम फिनोमिना सेम प्रोसेस अकर होता है विद द साउंड साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड लाइक अ रबर बॉल बाउंस ऑफ अ वॉल लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सर्फेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एंड फॉलोज द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट में देखा है वो सेम लॉ यहाँ पर साउंड में भी फॉलो किया जाता है द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड इज रिफ्लेक्टेड मेक द इक्वल एंगल मतलब कि सपोज ये हमारा नॉर्मल साउंड यहाँ से जनरेट हो रही है यहाँ पर जाके स्ट्राइक हुई है और वापस बाउंस बैक सेम एंगल पे करेगी और यहां फिर दूसरे पर्सन को सुनाई देगा राइट right? सो so, कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपके रूम में अगर आप बोल रहे हो तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स पे वो साउंड जाके टकराएगा और वापस रिफ्लेक्ट बैक होगा द डायरेक्शन इज ठीक है एन ऑपस्टिकल ऑफ़ द लार्ज साइज विच मे बी पॉलिश और रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अब कैसा ऑप्स्टिकल चाहिए रिफ्लेक्ट करने के लिए ऐसा ऑप्स्टिकल जो साइज में बड़ा हो लार्ज साइज का हो और साथ ही साथ वो पॉलिश भी होना चाहिए तो जितना ज़्यादा पॉलिश ऑब्स्टिकल होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी साउंड रिफ्लेक्ट करेगी राइट यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है आप एक्टिविटी देखना और उसको क्लियरली समझना नेक्स्ट आता है हमारा एको एको ऑफ साउंड आपने एको सुना होगा कि जब भी पहाड़ पे जाते हैं या इस तरीके का को कोई खुले एरिया में जाते हैं जहाँ पे माउंटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमारी साउंड एको होती है जिसको हम बोलते हैं गूंजती है सो so ऐसा नहीं है कि भाई आप पहाड़ पे जाओगे इसीलिए वो साउंड गूंज रही है वहाँ पे माउंटेंस पे कुछ कंडीशंस होती है जो कि फुलफ़िल होती है और उसकी वजह से एको पॉसिबल हो पाता है एको होने के लिए दो चीज़ देखी जाती है एक तो डिस्टेंस और एक टेम्परेचर जैसा कि अभी हमने ऊपर बात किया था कि साउंड दो चीज़ पे डिपेंड करती है एक तो कैसा एटमोसफेयर है कैसा एयर है सेकेंड कि टेम्परेचर कैसा है एको होने के लिए दो चीज़ मैटर करती है एक तो डिस्टेंस राइट right? सबसे मेजरली जो है वो डिस्टेंस ही है फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारा ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होता जाता है राइट यहाँ पर बोला गया है कि एको करने के लिए कोई भी एक साउंड को एको करने के लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और वापस रिफ़्लेक्ट बैक होगी वो डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर का राइट right? मतलब सपोज़ आप यहाँ पर यहाँ पर हम क्यों लेते हैं सपोज़ आप आ, कोई माउंटेन वाली प्लेस पे गए हो ठीक है और आप यहाँ पे दूसरे माउंटेन पे खड़े हो अब क्या बोला जा रहा है इस पूरे यहाँ पर जो एको है उसमें यही लिखा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना चाहिए और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो वो होगा 34.4 मीटर उसका डबल कि हमने जो साउंड दी इंसिडेंट साउंड और वो रिफ़्लेक्ट बैक करके आई तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा वो होना चाहिए 34.4 मतलब यहाँ से जाके वापस आना 34.4 मीटर होना चाहिए और अगर हम खाली यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो हम उसको हाफ कर देंगे तो वो डिस्टेंस होगा 17.2 मीटर अब क्यों ये 17.2 मीटर बोला गया है कि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेवनटीन मीटर पर होना चाहिए क्योंकि एक साउंड तभी पॉसिबल हो पाएगा एक एको तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारी साउंड को हमारे ईयर्स तक आने में 0.1 पॉइंट सेकेंड लगे एटलीस्ट 0.1 पॉइंट सेकेंड मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं हमने जो साउंड प्रोड्यूस की जनरली हम माउंटेन्स uh, पे जाके हमारा नाम ही बोलते हैं सो so सपोज यहाँ पे साउंड मैंने खड़े होके यशोदा बोला वापस इस साउंड को यहाँ तक आने में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में यहाँ यहाँ से मैंने साउंड बोला और वापस ही यहाँ पे टच होके यहाँ तक आने में एटलीस्ट 0.1 पॉइंट सेकेंड्स लगने चाहिए अगर 0.1 पॉइंट सेकेंड से कम लगती है साउंड को आने में राइट सपोज अगर उस साउंड को टाइम लगा 0.09 पॉइंट सेकेंड तो एको नहीं हो पाएगा कंडीशन ये है कि ऐसी कोई भी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पर आ, हमारी साउंड को आने में 0.1 पॉइंट लगेगा ऐसी जगह पर साउंड इको हो पाएगा अगर 0.1 पॉइंट सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है तो भी साउंड इको होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है एटलीस्ट तो अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एटलीस्ट 0.1 का डिस्टेंस uh, हुआ तो वहां पर साउंड एको होगा वरना साउंड एको नहीं होगा और हम किसकी बात कर रहे हैं uh, हम यहाँ पे डिस्टेंस जो टेम्परेचर है उसको हम 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मान रहे हैं अब हम पूरा इसको एक साथ में पढ़ते हैं

द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट जीरो पॉइंट वन सेकेंड मतलब वही बात हो गई क्या बोल रहे हैं कि जो जहाँ से साउंड ओरिजिनेट हुआ है मतलब हम हमारे से साउंड ओरिजिनेट हुआ वापस रिफ्लेक्ट बैक कर के आने में उसको जीरो पॉइंट वन सेकेंड लगना चाहिए और सपोज अगर एक् हो भी गई तो वो हमारे ब्रेन में जीरो पॉइंट वन सेकेंड तक के लिए रहता है राइट तो ये दो चीज समझ में आई नेक्स्ट इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड टू बी 344 मीटर पर सेकंड मतलब यहां पे अज्यूम कर रहे हैं जैसा कि हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग हो सकती है तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि भाई टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस 22 डिग्री सेल्सियस में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है 344 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है यानी स्पीड ऑफ साउंड होगी 344 मीटर पर सेकेंड तो so, ऐसे में द साउंड मस्ट गो टू रीच बैक लेकिन ऐसा बोल रहे हैं, जनरेशन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट थर्टी फोर पॉइंट फोर मीटर मतलब बोल रहे हैं कि ये जो हमने बोला कि एक जो पर्सन खड़ा है माउंटेन और उसके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस 34.4 मीटर होना चाहिए वो कब होना चाहिए जब हमारा टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होगा लेकिन ऐसी कंडीशन हुई कि जहाँ पर हमारा टेम्परेचर जीरो डिग्री सेल्सियस है तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी स्पीड भी कम हो जाएगी राइट और स्पीड कम होगी तो उसको आने में और ज़्यादा टाइम लगेगा तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा मतलब ये कोई यूनिवर्सल नहीं है कि 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना ही चाहिए आपके और वो माउंटेन के बीच में 17.2 मीटर का डिस्टेंस कब होगा जब हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट का जो जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है ऐसे में स्पीड होगी 344 मीटर पर सेकेंड सो जब ये कंडीशन होगी तब हमने बोला कि फोर पॉइंट फोर मीटर से माउंटेन तक का डिस्टेंस होना चाहिए 2, और टोटल थर्टी फोर पॉइंट फोर लेकिन अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो उस उस सिचुएशन में हमारा ये जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगा राइट right? सो so, ये हो गया एको, वापस हम सम करते हैं एको होता है रिपीटे uh, जब हमारी साउंड रिफ्लेक्ट बैक करती है राइट right? कोई भी ऑब्स्टिकल को टच होके जब हमारी साउंड रिफ्लेक्ट बैक करती है और हम उस साउंड को सुन पाते हैं उसे बोलते हैं एको। वैसे तो साउंड हमेशा ही रिफ्लेक्ट बैक होती है लेकिन हमारे रूम के अंदर क्यों एको पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है कबर्ड होता है टेबल होती है बेड होता है कर्टन्स होते हैं सोफा होता है तो अलग 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 चीज़ें होती है तो हमेशा क्या होता है कि सपोज़ हम यहाँ पर है हमने कुछ बोला वापस आते आते क्या हो गया कोई दूसरी चीज़ को टच हो गई फिर कोई दूसरी चीज़ को टच हुई सो so, इस तरीके से वापस से रिफ्लेक्ट बैक होगा और उसको जीरो पॉइंट वन सेकेंड का टाइम नहीं मिल पाएगा राइट इसीलिए हमारे रूम में एक् नहीं हो पाता वहीं पे हम माउंटेन की बात हैं वहां पे एको क्यों हो पाता है क्योंकि आ, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो ऐसा है कि हमारी साउंड को 0.1 पॉइंट सेकेंड का टाइम लग रहा है हमारे तक वापस आने के लिए अब क्योंकि माउंटेंस पे 0.1 पॉइंट सेकेंड का टाइम लगता है हमारे तक आने के लिए इसीलिए हम देख पाते हैं कि माउंटेंस पे हमारी साउंड एको होती है राइट सो यहाँ पर आप ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखें 0.1 पॉइंट सेकेंड का टाइम चाहिए अगर वहाँ पर टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है तो हमारी साउंड को टाइम लगेगा 344 मीटर पर सेकेंड और आ, हमारे और माउंटेन के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए सेवन और लाइट आ, वो जो साउंड है वो वापस है, हमारे तक आएगी पूरा डिस्टेंस कवर करके 344, 34.4 मीटर राइट सो ये हो गया हमारा एको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेवरबरेशन और उसके कुछ इलस्ट्रेशन एंड यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड